हमारा 15 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी पंचदशा पाठ है। 15वां पाठ स्टार्ट हो रहा है, विचित्र मृदम प्रकृति वंडरफुल नेचुरल, यानी जो नहीं देखा गया हो जैसा वैसा प्रकृति का वातावरण। अब प्रकृति में तो बहुत चीज़ें जाती हैं, पेड़ पौधे धरती से संबंधित, उसी प्रकार से जो आकाश है गगन से संबंधित जो भी चीज़ें रहती हैं वो भी सभी चीज़ें आ जाती है ना। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले क्या पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, शब्दों के अर्थ वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बेटा हमको जल्दी समझ में आएगा, है ना, बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। जैसे एक इसमें है शब्दार्थ, शब्दार्थ सबसे पहले हम पढ़ते हैं लघुत्तम, लघुत्तम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। उसके बाद है प्रकाश मध्यवापी यानी रोशनी में भी, परिभ्रमणम यानी परिक्रमा, स्वग्रहम नास्ति मतलब यह होता है कि अपना उपग्रह नहीं है, इंद्रवेव चंद्रमा के समान यानी आकृति वाला, जैसे चंद्रमा गोल है ना उसी के समान आकृति वाला, प्रचंड झंझावतस से तूफान का, सूक्ष्म दूरवीक्षे यानी दूरबीन से, लघु दूरी वीक्षण टेलीस्कोप से, ज्वालामुख नाम ज्वालामुखियों का अनुमानतः मतलब होता है लगभग, अनुमान लगाया हुआ, अपने अनुमान लगाते तो लगभग बोलते, शासकीय प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, षष्टि सहस्त्र मतलब होता है 60,000, हवाई स्थलम यानी होता है हवाई अड्डा, धरातले मतलब क्या होता है पृथ्वी पर, प्रयचिवंत मतलब होता है पहचाने गए, अघुत्वय मतलब होता है आज तक, प्रतिमूर्ति मतलब होता है पुतला, और महत्वाश्चर्येषु मतलब बड़े आश्चर्य में, ऊर्ध्वाकार मतलब होता है बहुत ऊंचा ऊंचाई पर, आयताकार मतलब क्या होता है चौड़ा और मोटा, लघुनी मतलब होता है छोटी छोटी, गुल्म शिखरानी मतलब होता है मीनारे, मृतकोपलय मतलब होता है ईंटों से। देखो हमने वर्ड मीनिंग पढ़ा, अब इसके बाद में हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा सौरमंडल। सौरमंडल मतलब समझते हैं ना बेटा, आकाश में जो जितने ग्रह रहते हैं उससे संबंधित, ठीक है। पहला है बुध ग्रह सौरमंडल सम लघुत्तम ग्रह अस्ति, जो बुध ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो ग्रह पाए जाते हैं गगन में उसमें सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह मिदम प्रातः सायं वा प्रकाश मध्य वापी दुष्टुम शक्यन्ते जना, यानी बुध ग्रह को अधिकतर लोग कम शाम के सुबह शाम के समय रोशनी के बीच में देख सकते हैं। स आदित्य परितः परिक्रमण अस्तातिशे दिवसम यावत पूर्ण करोति, यानी वो अपनी परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता, 8 दिन में। अस्मिन् ग्रह सोप ग्रह नास्ति, यानी वह अपना ग्रह भी नहीं है, वह अपना ग्रह नहीं है। अयम ग्रह दृष्टि मात्र इन देव दृश्यते, यह ग्रह कैसा चंद्रमा के समान दिखाई देता है गोल। बुधो परि नाशा देशा एका अंतरिक्षा नगछत तस्य नाम मैरी नरह आसीत, जो वह बुध ग्रह जो रहता है वो अंतरिक्ष में कहाँ पर दिखाई देता है अधिकतर, उसका नाम क्या है मैरी नरह है, था मैरी नरह उस अंतरिक्ष में उसका नाम था, ठीक है बेटा। आज हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, प्रथम वीडियो में वर्ड मीनिंग पढ़ा है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कल के लिए। आज के लिए इतना, ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।